सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने गैंगस्टरों के फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले गैंग का पर्दाफाश कर महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन और लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पासपोर्ट बनवाए थे। यह गैंग फर्जी पासपोर्ट बनवाने के 1.5 से 2 लाख रुपए लेता था। इस गैंग के लोग गैंगस्टर व अन्य अपराधियों के ही पासपोर्ट बनाते थे। आरोपियों की पहचान संगम विहार निवासी 27 वर्षीय राहुल सरकार, दिल्ली रानीबाग निवासी 55 वर्षीय अर्जित कुमार उर्फ अजीत दीवान उर्फ अजीत कुमार उर्फ टोनी उर्फ महेश उर्फ पाजी, तुगलकाबाद एक्सटेंशन निवासी 33 वर्षीय नवनीत प्रजापति, तुगलकाबाद एक्सटेंशन 33 वर्षीय सोमनाथ प्रजापति और संगम विहार निवासी 27 वर्षीय एक महिला के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से एक स्वचालित सिंगल सूट पिस्टल, 2 कारतूस, 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 1 डोंगल, आधार कार्ड बनाते समय उपयोग किए जाने के बायोमीट्रिक मशीन, कुछ जाली आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज और एक लग्जरी कार सहित 2 कारें बरामद हुई हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस की पूछताछ में अपने भाई और भांजे को फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भगाने की बात कबूली थी। फर्जी पासपोर्ट दिल्ली में बने थे लेकिन कहां से यह उसे नहीं पता था। तभी से दिल्ली क्राइम ब्रांच की कई टीमें फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले लोगों की तलाश में जुटी थी। स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज को मुखबिर से इनपुट मिला कि संगम विहार निवासी राहुल सरकार नाम का एक व्यक्ति पैसा लेकर फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट तक बना देता है। लेकिन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की घटना के बाद से ही अपने घर नहीं आया है। मुखबिर से मिली इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए हेड कांस्टेबल मनोज ने एक चाल चली और पासपोर्ट बनवाने के बहाने सस्पेक्ट के मकान नंबर F3330 संगम विहार के पते पर पहुंचे, लेकिन मौके पर सस्पेक्ट तो नहीं मिला किंतु परिवार के कुछ लोग मिले। परिवार के लोगों ने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि राहुल सरकार कोई पासपोर्ट आदि नहीं बनाता है और अभी किसी काम से बाहर गया हुआ है, जब आएगा तब मिल लेना। हेड कांस्टेबल मनोज ने परिवार के लोगों को पासपोर्ट के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए राहुल सरकार से मिलाने को कहा। मोटी रकम की बात सुनकर परिवार के लोगों ने हेड कांस्टेबल मनोज का मोबाइल नंबर ले लिया और बोला कि अभी आप जाओ, राहुल खुद फोन करके आपसे मिल लेगा। मुखबिर से इनपुट मिलते ही हेड कांस्टेबल मनोज ने साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ प्रभारी अतुल त्यागी के साथ जानकारी साझा की। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने हेड कांस्टेबल मनोज की सूचना को गंभीरता से लेते हुए सस्पेक्ट के मोबाइल को सर्विलांस पर लगवा दिया। साथ ही हेड कांस्टेबल मनोज को सस्पेक्ट की एक्टिविटीज व मूवमेंट पर नजर रखने को कहा। हेड कांस्टेबल मनोज ने सस्पेक्ट राहुल सरकार पर नजर रखनी शुरू कर दी तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि राहुल सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है और पैसे के लालच में किसी भी बदमाश व गैंगस्टर का फर्जी आधार कार्ड या पासपोर्ट तक बना देता है। सस्पेक्ट राहुल सरकार हेड कांस्टेबल मनोज के दिए पैसों के लालच में फंस गया। पैसों के लालच में राहुल सरकार के किसी जानकार ने हेड कांस्टेबल मनोज को फोन करके बताया कि राहुल सरकार दिनांक 7 जुलाई को साकेत मेट्रो स्टेशन से पहले फुटओवर ब्रिज के नीचे किसी से मिलने आएगा और आपके पासपोर्ट के लिए वहीं आपसे मुलाकात कर लेगा। अतुल त्यागी प्रभारी साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सूचना साझा की। DCP बेनिता मेरी जैकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए राजेश बामनिया ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अतुल त्यागी स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में SI धर्मेंद्र महिपाल, ASI जुगनू जोगिंदर, हेड कांस्टेबल मनोज नरेश पंकज, कांस्टेबल अखिलेश संदीप पूनिया व अशोक की एक टीम का गठन किया। टीम ने मेहरौली बदरपुर रोड साकेत मेट्रो स्टेशन से पहले फुटओवर ब्रिज के नीचे जाल बिछा दिया। कुछ देर बाद एक कार को संदिग्ध हालत में आते देखा गया। मुखबिर के इशारा करने पर कार चालक को रुकने का इशारा किया किंतु पुलिस की मौजूदगी को भांप कर चालक ने रुकने की बजाय कार की रफ्तार तेज कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। टीम ने दौड़कर कार को चारों तरफ से घेरकर रोक लिया और कार सवार को काबू कर लिया। कार चालक की पहचान राहुल सरकार के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक लोडेड अत्याधुनिक सिंगल शॉट कंट्री मेड पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में राहुल सरकार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड व पासपोर्ट बनाता है। राहुल सरकार की निशानदेही पर गैंग के अन्य सदस्यों अर्जित कुमार, नवनीत प्रजापति, सोमनाथ प्रजापति और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। अर्जित कुमार को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 1 डोंगल, बायोमेट्रिक उपकरण, फर्जी आधार कार्ड व एक लग्जरी कार समेत अन्य कागजात जब्त किए हैं।
राहुल सरकार ने पूछताछ में आगे बताया कि वो गैंगस्टर खासकर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाशों के संपर्क में था। उसने ही सचिन थापन का फर्जी पासपोर्ट संगम विहार निवासी तिलक राज टोटेजा के नाम से अपने घर के F3 गली नंबर 3 मकान नंबर 330 संगम विहार के पते पर बनवाया था। राहुल सरकार अर्जित कुमार के संपर्क में एक महिला के जरिए आया था। अर्जित कुमार ने राहुल सरकार से किसी भी जाली आईडी से भारतीय पासपोर्ट तैयार करने को कहा। पासपोर्ट बनवाने के लिए 1,50,000 रुपए प्रति पासपोर्ट की राशि तय की गई थी। इसके लिए करीब एक साल पहले उसने आरोपी नवनीत व सोमनाथ की मदद से तिलक राज टोटेजा के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था, जिसके आधार पर फर्जी वोटर आईडी व पासपोर्ट बनवा लिया था। तिलक राज टोटेजा के नाम का व्यक्ति पता F3 गली नंबर 3 मकान नंबर 330 संगम विहार का पूर्व भूस्वामी था। यह प्रॉपर्टी वर्तमान में आरोपी राहुल सरकार के परिवार के कब्जे में है। बिजली बिल आज भी प्रॉपर्टी के पहले मालिक तिलक राज टोटेजा के नाम है। यहीं से राहुल सरकार को भविष्य में जालसाजी करने के इरादे से अपनी आईडी बनाने का आइडिया आया। आरोपी नवनीत तुगलकाबाद एक्सटेंशन गली नंबर 26 में सोमनाथ सॉल्यूशन नाम से आधार केंद्र चलाता था। आरोपी राहुल सरकार नवनीत को 5 सालों से जानता है, क्योंकि राहुल ग्राहकों को आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करने के लिए नवनीत के केंद्र में भेजता था। 7 महीने पहले आरोपी राहुल ने नवनीत को 15,000 का लालच देकर अपने मकान के पूर्व मालिक तिलक राज टोटेजा के नाम से अपना दूसरा आधार कार्ड बनवाने के लिए संपर्क किया था। नवनीत ने अपने आधार केंद्र की सुविधा का दुरुपयोग किया और फर्जी जानकारी से राहुल सरकार का दूसरा आधार बनवाया। पूछताछ में पुलिस को आगे पता चला कि अर्जित कुमार गुजरात के रहने वाले एक एजेंट के माध्यम से दीप सिद्धू नामक व्यक्ति से मिला था। दीप ने उस दौरान खुद को यूक्रेन का नागरिक बताया था। उसने अर्जित कुमार को इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पर 4 फोटो भेजे, जिनके पासपोर्ट बनाने थे। अर्जित कुमार को प्रत्येक पासपोर्ट के 1,70,000 रुपए मिलने थे। उसने राहुल को पासपोर्ट बनाने का ठेका 1,50,000 रुपए प्रति पासपोर्ट दिया। आरोपियों से पुलिस को यह भी पता चला कि सोमनाथ प्रजापति 2018 में अपने मामा नवनीत के घर तुगलकाबाद एक्सटेंशन आया था। इसने अपने मामा नवनीत प्रजापति के आधार केंद्र सोमनाथ सॉल्यूशन पर कंप्यूटर चलाना शुरू किया। वह केंद्र में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। लगभग 7 महीने पहले अपने मामा नवनीत के कहने पर इसने बायोमेट्रिक मशीन का दुरुपयोग करके तिलक राज टोटेजा के नाम से आरोपी राहुल सरकार का वोटर आईडी कार्ड बनाया था। सोमनाथ प्रजापति इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि आरोपी राहुल सरकार ने नकली व जाली दस्तावेज मुहैया कराकर तिलक राज टोटेजा के नाम से अपना वोटर आईडी बनवाया है। गिरफ्तार आरोपी महिला पिछले 7-8 साल से आरोपी अरिजीत कुमार के संपर्क में थी और साथ ही आरोपी राहुल सरकार के साथ पिछले 9-10 महीने से संपर्क में थी। यह महिला आरोपी राहुल सरकार और अरिजीत कुमार के बीच की कड़ी थी। आरोपी राहुल के बारे में पुलिस को पता चला कि उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर के शक्ति फार्म स्थित वार्ड नंबर 3 का रहने वाला राहुल सरकार 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और दिल्ली में मकान नंबर F3 330 संगम विहार के पते पर रहता है। वो पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि का ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करता था। संगम विहार में तिलकराज की सारी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में थी और बिजली का बिल भी तिलकराज के नाम से आता था। इस दौरान वर्ष 2017 में बदमाश अमित मद्रासी का भाई राहुल के घर में किराए पर रहने आया था। अमित मद्रासी के कहने पर राहुल ज्यादा पैसे कमाने और आरोपियों के बीच ऑनलाइन काम के लिए प्रसिद्ध होने के लिए उसने बदमाशों के लिए फर्जी कागजात बनाना शुरू कर दिया। राहुल ने अमित मद्रासी के परिवार के अलावा गैंगस्टर रोहित चौधरी के बेटे का ऑनलाइन फॉर्म भरा था। रोहित चौधरी के बेटे का मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद में दर्ज है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या।
कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।